कैनेडा ने अमेरिका नूं कीती मदद दे वास्ते बेनती कि माइकल स्पेवर ते माइकल कोवरिंग नूं सुरक्षित तरीके नाल रिहा करवाउण दे लई चीन दे उत्ते दबाव बनाया जावे। मॉन्ट्रियल दे पूरब वल शॉपिंग मॉल विच हथियार दे नाल इक व्यक्ति ने 54 साल औरत दे उत्ते हमला कीता। औरत दी मौत हो गई है, व्यक्ति नूं गिरफ्तार कर लिया गया। टोरंटो विच पुलिस ने एक ड्राइवर नूं काबू किया जिसका अद्धा घंटा पहला ही लाइसेंस रद्द किया गया सी ते ओह फिर तो सड़क दे उत्ते गड्डी चलाउंदा पाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने भी कर दिता ऐलान, स्टाफ, विद्यार्थी ते यूनिवर्सिटी दे विच होर सारयां दे वास्ते कोविड-19 दे टीके लाजमी कर दिते गए ने। मरीनलैंड तो अमेरिका दे एक्वेरियम दे लई जिस वेल मच्छी नूं भेजिया गया सी उसकी मौत हो गई है जो कि बीमार सी। ओंटेरियो दे कई हिस्सों विच लोकां दे घर पहुंच के कोविड-19 दे टीके लगाए जा रहे ने। डोर टू डोर टीके लगाउण संबंधी यह मुहिम चलाई जा रही है कई थावां दे उत्ते। ओंटेरियो दे बेरी विच कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टां दे लई $3 मिलियन का ऐलान किया गया है। स्पैरो लेक विच एक लाश मिली है। ब्रेसब्रिज ओंटेरियो प्रोविंशियल पुलिस मुताबक काफ़ी चिर तो लापता 56 साल एन वॉकर की वह देह है जिसकी पछाण की गई है। ब्रिटिश कोलंबिया विच बुधवार के दिन जानकारी दी गई कि एक दिन च लंबे चिर बाद 500 तो वध कोविड-19 के मामले सामने आए ने। 536 कुल नवे मामले सामने आए, चौथी लहर का भी जिक्र। ब्रिटिश कोलंबिया के कलोना विच एक नवजम्मे बच्चे नूं पाया गया कोविड-19 तो पीड़ित जिसनों हस्पताल भर्ती करवाया गया सी ते हुण घर दे विच ही ओह मौजूद है जिसका इलाज चल रहा है। गर्मी दे वधण दे नाल ही वैनकूवर डाउनटाउन दे विच होटलां दी बुकिंग तेज़ हो गई है। अमेरिकी वासियां दे आउण दे नाल भी इस दे उत्ते असर है। न्यू वैस्टमिंस्टर विच मंगलवार की रात नूं 10:30 बजे एक घर दे विच पीड़ित दे कई चाकू मारन दे मामले सामने आए ने जिस तों बाद एक व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया। ओटवा विच एक घर की रेनोवेशन दौरान घर की बैकयार्ड दे विचों 19वीं सदी की एक तलवार मिली है जिस की वरतों 19वीं सदी विच ब्रिटिश ते कनेडियन अधिकारियों दे वल्लों की गई हो सकती है। इंटरनेशनल ट्रैवल दे लई कैनेडा विच जल्द किया जा रहा है वैक्सीन पासपोर्ट का ऐलान। इमीग्रेशन मंत्री मार्को मेंडिचिनो ने दी जानकारी। वैनकूवर पुलिस ने जानकारी दी है कि जुलाई महीने 129% तक अणपछाते व्यक्तियों के वलों छेड़छाड़ के मामलों में वाधा होया है जिथे एक मुहिम भी चलाई जा रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। ओंटेरियो के लंदन च 1:30 बजे एक भयानक सड़क हादसा वापरिया है। शहर के दक्षणी हिस्से विच वापरे इस हादसे कारण एक मौत हुई है ते 2 जख्मी हुए ने। कैनेडा भर विच कई हस्पतालों ने अपने कामियां दे लई कोविड-19 दे टीके लाजमी कर दिते ने। ओंटेरियो दे लंदन च पुलिस ने एक 26 साल नौजवान नूं गिरफ्तार किया ते गड्डी जब्त की जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दे नाल जिथे गड्डी चलाउण दी आग्या सी उत्थे 160 दी रफ्तार दे नाल गड्डी चला रहा सी। लंदन च अफोर्डेबल घरां दे लई $24.7 मिलियन दे प्रोजेक्ट दे लई हरी झंडी दित्ती गई है जिसके लिए अज ऐलान किया गया। अल्बर्टा विच लामोन काउंटी अंदर खेतों नूं भयानक अग लगन का मामला सामने आया है। अग दे करके 160 एकड़ का खेतर सड़ गया। एडमंटन कोल मंगलवार की सवेर मूस दे नाल एक गड्डी टकराउण दे करके हादसा वापरिया जिस करके 21 साल के नौजवान की मौत हुई है। बैंफ सिटी कौंसल विच अधिकारियों की बहस चल रही है कि कोविड-19 के मामले वध होण लगे ने तां मास्क लाजमी उड़ तो किते जाण जा नहीं जिसके लिए जल्द कोई ऐलान हो सकता है। कैनेडा तो अधिकारियों का कहना है कि कोविड-19 की चौथी लहर देश दे विच शुरू हो गई है। सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है ताकि मामलों की गिनती होर वध ना होवे। क्यूबैक विच आउंदे महीनियां च उस हदायत नूं हटाया जा रहा है जो स्कूली बच्चों के लिए मास्क लाजमी किए गए ने जिथे वैक्सीन पासपोर्ट का ऐलान पहला ही हो गया जो 1 सितंबर तो लागू भी हो रहा है। मैनीटोबा विच मूल निवासियों के 2 भाईचारे 3 महीने के लिए बिजली तो बगैर होणगे क्योंकि मुरम्मत का काम चल रहा है।
बिजली दे लई जो जंगलां नूं अग लगण दे करके नुकसान होया उस करके ही काम चल रहा है।